तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो है वो मैं बात करने वाला हूँ FSSAI असिस्टेंट के बारे में। जी हाँ, बहुत लोगों को जो है वो इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसका जो है वो रिक्रूटमेंट निकला था 2021 में, सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, अब जो है वो लगभग 2 साल होने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो पहले एक बार हो चुका है, फिर कैंसिल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो इसमें डिस्क्रिपेंसीज निकली थी, यानी बहुत सारी जो है इसमें माल प्रैक्टिसेस हुई थी। पेपर होने के बाद जो है वो ये खबर आई थी कि ये पेपर जो है वो लीक हो गया है। फिर क्या हुआ कि फरवरी में, यानी इसी साल जो है वो एक नोटिस आया जिसमें ये बताया गया कि ये पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है, और इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो अब भी जो है वो 5 से 6 महीने निकल चुके हैं, लेकिन दोबारा जो है वो ये पेपर कब होगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ना तो साइट पे है, ना ही कोई RTI रिप्लाई जो है वो सही तरीके से दिया जा रहा है। RTI में बहुत बार जो है वो पूछा गया है कि इसकी जो है वो डेट्स क्या होने वाली हैं। तो सारे जो है जो रिक्रूटमेंट निकले थे ना दिसंबर या अक्टूबर में 2021 में, जैसे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जूसर सीनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट, तो इन सब का जो है वो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन असिस्टेंट का रिजल्ट आने के बाद जो है वो इसको कैंसिल कर दिया गया था, और अब जो है वो इसकी नई डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई हैं। मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैंने जो है वो एक RTI रिप्लाई, इसमें RTI जो है वो दोबारा फाइल की है कि इसकी जो है वो एग्जाम डेट्स कब होने वाली हैं। तो बहुत जल्दी जो है वो उसका RTI का रिप्लाई आएगा, और मैं जो है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये बताऊंगा कि उस RTI का रिप्लाई जो है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो सही में ये जॉब चाहिए, क्योंकि ये जॉब जो है वो कम नहीं थी। ठीक है ना, एक तो दिल्ली पोस्टिंग थी आपकी, ठीक है ना, बहुत सारी मेट्रो सिटीज में भी पोस्टिंग थी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 70-80% पोस्टिंग आपकी दिल्ली में होती है, और ग्रेड बी पोस्ट थी। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो सीरियसली उस टाइम यानी दिसंबर में जो है वो 2021 में बहुत मेहनत की थी इस पेपर को निकालने के लिए, लेकिन जब पता चला कि ये पेपर कैंसिल हो गया है और इस पेपर में बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हुई हैं और बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सीरियस जिनने मेहनत की थी, सीरियस स्टूडेंट्स ने, उनको कहीं ना कहीं दुख हुआ था। लेकिन अब जो है वो जल्दी से जल्दी FSSAI को इसकी जो है वो एग्जाम डेट दोबारा डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक जो है वो अलग हो जाते हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो वो टॉपिक जो है वो दोबारा आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे जैसे इसकी एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। वेल, जब भी RTI का रिप्लाई आएगा मैं जो है वो आप लोगों के साथ उस RTI को जो है वो शेयर कर दूंगा कि इसकी जो है वो एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स क्या होने वाली हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और बहुत जल्द जो है वो RTI रिप्लाई आएगा, क्योंकि मुझे फाइल किए हुए जो है बहुत दिन हो चुके हैं। पहले भी जो है वो 2-3 बार RTI जो है वो फाइल की जा चुकी है कि इसमें जो है वो इसकी एग्जाम डेट्स क्या होंगी, लेकिन उन्होंने सही से जो है वो जवाब नहीं दिया था। खैर, इस बार हम लोग जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो है वो RTI रिप्लाई बिल्कुल सही तरीके से दिया जाएगा, और हो सकता है कि इस बार जो है वो एग्जाम डेट्स RTI रिप्लाई में जरूर बता दें।